सो गाइस, जेटरविस तो आ गई है मार्केट में, इसका ऑपरेशन भी स्टार्ट होने वाला है। बट जब टेक्नीशियन का वैकेंसी आएगा, जूनियर टेक का वैकेंसी आएगा, तो जेटरविस 5,000-10,000 मंथली पे रखने वाला है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कब बोला, आज के इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सो आज का वीडियो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं जेटरविस एज अ टेक्नीशियन, एज अ एमी, एज अ जूनियर टेक्नीशियन, तो आज के इस वीडियो में उनको मोटिवेट करने वाला हूँ। और क्या मोटिवेट इसमें करने वाला हूँ या डिमोटिवेट करने वाला हूँ, आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा कि क्या जेटरवे सच में इतना सैलरी पे काम करवाएगा टेक्नीशियन से, और क्या कुछ है। तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह से इंपॉर्टेंट अपडेट्स जानने के लिए जेटरवे से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, पूरे एविएशन से रिलेटेड। और ये एक्नॉलेज दैट वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैं आपको एक अपडेट दिया था कि जेटरवे अपना वैकेंसीज लाने वाली, यानी कि टेक्नीशियन का वैकेंसी, बहुत अपर अपर पोस्ट की वैकेंसीज तो आ चुकी हैं और धीरे धीरे आ भी रही हैं। उस पे एक भाई ने और दो तीन भाई ने कमेंट किया है कि यार जेटरवेज वैकेंसी तो लाएगी, लेकिन जो वैकेंसी रहेगा वो 5,000-10,000 के बीच में जेटरवेज रखने वाली है। तो क्या ये सच है, और जो जिसने भी कमेंट किया है वो फ्रस्ट्रेशन में कमेंट किए हैं या गुस्सा निकाल रहे हैं या जो भी हो। तो गाइस, मेरा ये मानना है कि जेटरवेज ब्रांड है, और जेटरवेज बंद होने से पहले सबसे ज्यादा जो सैलरी प्रोवाइड करने वाले जो एयरलाइंस थी, जूनियर लेवल से हो या सीनियर लेवल का हो, सबसे ज्यादा जेटरवेज थी। यानी कि कोई अगर दूसरे एयरलाइंस में एमी का सैलरी 2,00,000 है, तो जेटरवेज में एमी का सैलरी 4,00,000। तो गाइस, आप में से जो लोग भी जेटरवेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इसी स्टेटमेंट से सोच लो कि जब एमी का सैलरी इतना डिफरेंस हो सकता है, तो जूनियर लेवल का सैलरी 5,000 और 10,000 कब भी नहीं रहेगा। जिसने भी ये कमेंट किया है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट वो डिमोटिवेट करने के लिए आपको कमेंट किए हैं कि आप जेटरवेज ज्वाइन ना करो, एविएशन ज्वाइन ना करो। मैं मानता हूं कि जो जूनियर लेवल का है वो कहीं ना कहीं सैलरी थोड़ा सा मैटर करता है। जो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग टेक होते हैं, जो 2 साल कॉलेज करके आते हैं, तो उनका सैलरी 5,000-10,000 चलो ठीक है, लेकिन मैं बात किया था टेक्नीशियन लेवल पे, तो टेक्नीशियन लेवल पे या जूनियर टेक्नीशियन लेवल पे इतना कम सैलरी नहीं हो सकता है, है ना। तो और भी एयरलाइन से सैलरी उसका अच्छा खासा रहेगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जेटरवेज का सैलरी सबसे ज्यादा होगा हर एक पोस्ट के हिसाब से। तो गाइज, आज का इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक ही है कि आप डाइवर्ट ना हो, जो भी पॉजिटिव कमेंट करे उस पर आप ध्यान दो, जो नेगेटिव कमेंट करे उसको आप इग्नोर करो, और मेरा काम ही है आपको पॉजिटिव रखना, ठीक है, एविएशन के प्रति। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, तो आप उनको ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव है। तो जैसे जेटरवेज का ऑपरेशन स्टार्ट होगा, धीरे धीरे वैकेंसीज आना शुरू होगा, और आप ये मत सोचना कि सैलरी कितना देगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना तो आप दिमाग में रखो कि जेट एयरवेज है, यानी कि एक ब्रांड है, सैलरी और लग्जरियस लाइफ और जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और गाइस, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो लोग भी इस तरह के कमेंट करते हैं, प्लीज कमेंट ना करें, ठीक है। तो आप अवेयर रहें, सच्ची बातों को फॉलो करें, और अभी बहुत सारे फ्रॉड भी हो सकते हैं आपके साथ जेट एयरवेज के नाम पे कि मैं जॉब दिला दूंगा, ये दिला दूंगा, वो दिला दूंगा, तो आपको ट्रस्ट कहां पे करना है, जेट एयरवेज के ऑफिशियल ट्विटर साइट पे और जेट एयरवेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको वैकेंसीज देखते रहना है, और मैं तो आपको अपडेट दूंगा ही दूंगा। गाइस, यही था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। आशा करता हूं को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज का वीडियो मोटिवेटिंग लगा हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा, प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह से मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं, एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी एंड एविएशन से रिलेटेड। और हां, आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आपको कुछ भी पूछना हो, तो गाइस आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो इंस्टाग्राम का आईडी है वो यहां पे आ रहा होगा। सो यार, मिलता है किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। Till then, do whatever you want to do. Do double, but please don't trouble anybody. Have a take care and see you. Jai.